नमस्कार, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो बहुत अच्छे वर्ड जिनको अधिकतर हम लोग एवरीडे तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर यूज यानी जब आ जाता है यूज तो वो घबरा जाते हैं। एक बहुत सिंपल से वर्ड है, जैसे एक वर्ड है हमारा सबसे पहला क्रैडल। एक क्रैडल जो शब्द है वो यानी कि अधिकतर आप लोग ये यूज करते रहते होंगे, यानी कि सबसे अच्छा एक वर्ड है हमारा क्रैडल, CRADLE। क्रैडल क्या होता है, यानी कि एक तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ पर ये वर्ड है, सही से लिखा नहीं, क्रैडल। ओके, क्रैडल, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, क्रैडल। क्लियर, ये जो हमारा वर्ड है क्रैडल, जो क्रैडल वर्ड है, क्रैडल अधिकतर जो वर्ड ये अधिकतर हमारा वर्ड है दो तरीके से यूज किया जाता है, ये तो हमारा नाउन में भी यूज होता है और वर्ब में भी यूज होता है। नाउन में जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का एक छोटा सा पालना होता है, झुलाने वाला झूला होता है, उसको हम यानी कि क्रैडल के नाम से भी जानते हैं, CRADLE क्रैडल भी कहते हैं इसे। और अगर आप देखें इसको अगर वर्ब में यूज किया जाए तो वर्ब में इसका मीन्स होता है एक तरीके, किसी को हम यानी कि जैसे हमारा यानी कि वो मोबाइल फोन होता है या हमारा रिसीवर होता है, उसे बहुत जेंटली उठाते हैं, बहुत आराम से उठा के और उसे कॉल करते हैं और आराम से मजबूती से पकड़ते हैं, प्रोटेक्टिव वे जिससे वो टूट ना जाए। तो ऐसे नहीं कि इसको वर्ब में भी यूज करते हैं, क्रैडल, डू योर वर्क क्रैडल ये, या फिर आप बोल सकते हैं यानी कि आई क्रैडल माई रिसीवर, मतलब मैंने आराम से अपने रिसीवर को पकड़ा हुआ है, उससे मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो क्रैडल जो शब्द है आपको समझ में आ गया होगा। एक और हमारा वर्ड आपको बताएंगे, क्रैडल में बताएंगे नाउन में यूज करेंगे तो आपका जैसे बच्चों का छोटा सा पालना होता है जिसमें बच्चों को जेंटली यानी रखा जाता है जैसे कि उन्हें कोई चोट ना लग जाए, तब क्रैडल का यूज कर लेते हैं हम। और दूसरा मैंने वर्ड बताया आपका कि इसको वर्ब में अगर यूज करना चाहें तो क्रैडल का मीन्स होता है किसी चीज को हम जेंटली से रिसीव करें या रखें, या मेरे प्रोटेक्टिव वे यानी किसी चीज को हम उठाए रखें या यूज करें। मैंने जैसे आपने देखा हमारा जो मोबाइल फोन होता है बहुत महंगा होता है, उसे जेंटली हम लोग पकड़ते हैं मजबूती से, यानी इस तरीके से नहीं पकड़ते टूट जाए, यानी जेंटली पकड़ते से टूट गिर ना जाए, इससे डिस्ट्रॉय ना हो जाए। एक और वर्ड है हमारा जो बहुत ज्यादा यानी कि तो नहीं आ हम लोग एवरीडे यूज करते हैं लेकिन आ जाता है तो बहुत परेशान रहता है, ये है कब। इस वर्ब को, इस शब्द को हम दो नाउन और आपको नाउन में भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ इसको हम आपका वर्ब में भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा जब महावत होता हाथी को चलाता तो ऊपर एक उसे रोकने के लिए, चेक करने के लिए, उसे रोकने के लिए एक आपका एक दंड रखता है, उसे अंकुश के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यानी कि जो ऐसा यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट या यानी ऐसा यानी कि स्टिक्स दैट यानी कि कंट्रोल अ हॉर्स और या एनी एलिफेंट इज कॉल्ड द आपका कर्म। तो ये तो आपका कर्म क्या शब्द जो हो गया, कर्म हमारा जो शब्द हो गया, ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा है यानी आपका नाउन भी है, अरे उसे अंकुश बोलते, या फिर यानी इसे वर्ब के रूप में जब यूज करें तो यानी कि अंकुश लगाना या उसे किसी तरीके से रोकना, इस सेंस में भी इसका यूज हो सकता है। तो कर्म जो वर्ड है हमारा ये यानी कि बहुत फेमस भी है और बहुत यानी कि जैसे अगर आप जाएं बहुत अच्छी यानी कि जो जिसकी लिटरेचर है या बहुत अच्छा यानी कि मतलब एवरीडे यूज में नहीं होता है ये तो सच है, लेकिन ये यानी जब आते हैं तो परेशान करते हैं। तो क्रैडल भी बहुत फेमस वर्ड है और अधिकतर जो यानी इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उन्हें अधिकतर क्रैडली जो पालना होता है उसे क्रैडली बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने घरों पर यानी कि उसे झूला आए बच्चे का पालना से नाम से जानते हैं, लेकिन जब क्रैडल आता है तो उसमें थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं क्या है क्या नहीं है, ये कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप समझ गए हो, सबसे पहला आपका क्रैडल मैंने आपको बताया और आपको एक और वर्ड बताया क्या, कर। ये आपके वोकैब को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये आप क्या होता है, ये एक बेस वर्ड होते हैं, इनसे क्या यानी कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बहुत सी यानी कि थिंकिंग से यानी कि एक फैमिली होती है एक वर्ब की, तो एक तरीके से वर्ब सबसे पहले यानी कि एक तरीके से मदर होती है किसी यानी कि घर की या वहां की, तो वहां से ही सब कुछ यानी कि पूरा चलता है। तो इसी तरीके से ये कर्म और क्रैडल दो वर्ड है और इनका वर्ड मीन मैंने बताया अंकुश या अंकुश लगाना यानी उस पर कंट्रोल करना चेक करना, और इस क्रैडल का मतलब है किसी को जेंटली यानी कि रिसीव करना रखना या पालना, तो इसे पालना के रूप से भी जानते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।